बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ा इकरा रहमान, एक बार फिर से अपनी प्यारी सी YouTube फैमिली का अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज माशाल्लाह से मेरी फोर्थ मैरिज एनिवर्सरी है, अल्हम्दुलिल्लाह से 4 साल हो गए हैं हमारी शादी को। तो जो मैं आपको ये न्यू पार्क ज्वेलर का दिखा रही हूँ मेन बाज़ार चीचावती से, ये मैं अपने मायके गई हुई थी। आपको पता है, सबको मैंने आपके साथ वीडियोज़ शेयर की थी मामा के घर की, मायके की। तो वहाँ से मैंने जो है अपने लिए मैरिज एनिवर्सरी का गिफ्ट ले लिया है, तो वो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें इसके अंदर है। ये जो भी आप इनसे कोई भी चीज़ लेंगे न्यू पार्क ज्वेलर से, तो ये आपको इस तरह का वॉलेट सा देंगे, पर्स सा, न्यू पार्क ज्वेलर लिखा हुआ है। ये मैं लेकर आई हूँ, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि जो तुम्हें पसंद आ रहा है। तो फिर मैंने वहाँ जाके शॉप पर उनके साथ तस्वीरें शेयर की थी कि आप बता दें आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, तो हमने मिलके जो है ये चॉइस की है, ये वाली हमें प्यारी लगी है। तो ये मैं आपको अभी ओपन करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, एक मिनट, ये सही से फोकस कर रहा है, ये देखिए माशाल्लाह से। तो ये मेरी मैरिज एनिवर्सरी का गिफ्ट है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये जो ये वाली मेरी रिंग है, ये मेरी इंगेजमेंट रिंग है, ये इनकी तरफ से थी। और ये रही मेरी एनिवर्सरी रिंग, ये देखें, ये इसका डिज़ाइन है, ये देखें अभी नज़र आ रहा है क्लियरली, ये माशाल्लाह से डिज़ाइन है। ये मैंने हर फिंगर के हिसाब से ली है, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। वैसे मैंने इस वाली फिंगर की ली है, ये देखें माशाल्लाह से। ये इस हैंड में भी, जिस मर्ज़ी हैंड में पहन लें आपकी मर्ज़ी है। ये देखें अब सही फोकस कर रहा है माशाल्लाह से। ये है मेरी हैप्पी फोर्थ एनिवर्सरी का गिफ्ट है ये माशाल्लाह से। ये यहाँ मैं पप्पू की तरफ आई हुई हूँ, अब्दुल समद ये मेरी चीज़ों के साथ खेल रहा है। और ये रही एनिवर्सरी का जो गिफ्ट था, मैंने कहा आपको दिखा दूँ माशाल्लाह से, ये देखिए। तो अभी जो है हम बस जाएंगे पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे, पिज़्ज़ा खाने जाएंगे। अभी इस दफ़ा इस एनिवर्सरी पे अक्सर इस तरह ही होता है, 3 एनिवर्सरी की गुजर चुकी हैं, जिसमें मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही नहीं थे, वो कराची होते, और यहाँ मैं मायके घूमने फिरने आ जाती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ अपने ससुराल में आ जाती हूँ, तो उन्होंने बस मुझे कॉल पे कहा था। तो अभी इंशाल्लाह जब जाऊँगी वहाँ जाके भी एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। फ़िलहाल ये सब जो हैं ये कह रहे हैं कि आप मुझे जो है वो ट्रीट दें एनिवर्सरी की, तो बस हम अभी इंशाल्लाह ताला प्लान किया है कि हम ग्रेस पिज़्ज़ा, मैंने आपको शायद वीडियोज़ में दिखाया होगा पहले भी, तो अब हम वही, वो हमारे करीब है यहाँ से और मज़े का भी है पिज़्ज़ा वहाँ का, तो हम वहाँ जाके जो है पिज़्ज़ा खाएँगे अभी। तो मैंने अपने हस्बैंड को जो गिफ्ट दिया था, वो वहाँ जब आए थे चीचावती में, तो मैंने उनको 2 पैंट शर्ट लेके दी थी बहुत प्यारी सी, वो भी मैं उनको बताती हूँ, कहती हूँ कि वो उसकी भी जो है ना शेयर करें, ऑफिस से आएंगे ना तब करेंगे। और उनको मैंने एक जो है ना शूज़ भी लेके दिया था, तो वो उसकी भी जो अगर हो सके तो वो शेयर करेंगे, तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। तो ये था मेरी मैरिज एनिवर्सरी का गिफ्ट। सबसे पहले जो मेरा गिफ्ट था वो ये आपको रिंग नज़र आ रही होगी, ये वाली पिछली एनिवर्सरी पे, एक मिनट फोकस करें, हाँ हो गया जी, ये देखिए ये वाली जो थी पिछली एनिवर्सरी पे उन्होंने मुझे ये वाली गिफ्ट दी थी, ये वाली रिंग थी मेरी एनिवर्सरी की गिफ्ट। ये मैंने इसलिए खुद ली थी कैजुअली पहनने के लिए, मैंने कहा मुझे वो वाली लेकर दें जो मैं के कैजुअली पहन सकूँ घर में। इस तरह की जो ये वाली रिंग है, ये वाली तो मैं नहीं पहन सकती हूँ, इसका ये गोल्ड का, जब ये वाली मैंने रिंग ली है तब गोल्ड का जो रेट था वो था 1,33,000। फिर 3 दिन के बाद जब लेने गई हूँ तो 1,23,000 हो गया था, तब चांसेस थे कि और कम हो जाएगा, लेकिन कह रहे थे कम हो भी सकता है बढ़ भी सकता है, तो इसलिए मैंने फिर ज़्यादा चांस नहीं लिया। मैंने कहा चले अब जो है आराम से ले लूँ, वैसे भी 2 दिन के बाद मेरी वापसी थी यहाँ पर। तो बाकी की वीडियो जो है मैं आपके साथ इंशाल्लाह बाद में शेयर करूँगी, जैसे जैसे बनेगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। जी व्यूअर्स, मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, ये है मेरा ड्रेस, ये देखें, तो सब लोग वेट कर रहे हैं, तो चलिए हम साथ साथ चलते हैं। जी व्यूअर्स, हम लोग पहुँच गए हैं ग्रेस पिज़्ज़ा पर, ये देखें ये लिखा हुआ है फैमिली हॉल, हमेशा हम यहाँ पे ही आते होते हैं फैमिली हॉल में। ये मेरी पप्पू जी हैं, वो मेरी सिस्टर इन लॉ है, ये देखें ग्रेस पिज़्ज़ा, यहाँ हम पहले भी आ चुके हैं, मैंने वीडियो अपलोड की थी। वो रहा अशर, हाय अशर, देखिए इसकी लाइटिंग इस तरह की है,
यहाँ लड़का खड़ा होता है और वहाँ जो है ना वो बनाते हैं, फिर वो दिखाते हैं, मतलब जो ऑर्डर करें ना आप, विंडो सी बनी हुई है वहाँ से आ जाता है। देखिए बहुत बड़ा हॉल नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन ये कि हम यहाँ आते हैं खाने, ज़्यादा मज़ा भी आता है और टेस्ट भी अच्छा है। आ जाओ शर, सीटिंग इन्होंने किया हुआ है। जी व्यूवर्स, हमने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है, ये 1000 वाला जो पिज़्ज़ा है इसके साथ 1.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक है, साथ फ्राइज हैं, फ्राइज अशर के लिए। ये ऑर्डर हमने असल में अशर के लिए किया, अगर अशर फ्राइज खा ले तो, क्योंकि ये बुलक्कड़ है, खाता कुछ नहीं है। ये देखिए लार्ज पिज़्ज़ा लिखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक लिखी हुई है, फ्राइज लिखा हुआ है, 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक है। ये मैंने ब्लैक से वाइट मंगवाई है, एक तो हमने ये ऑर्डर किया है। अगर आप ये डील वाला ऑर्डर करेंगे तो इसके जो है ना ये वाले फ्लेवर हैं 6, तो हमने चिकन सुप्रीम जो है वो ऑर्डर किया है। पिछली बार हमने ये वाला खाया था शवारमा पिज़्ज़ा, ये भी बहुत मज़े का था। और जो हमने ऑर्डर किया है, पिछली बार हमने ये खाई थी 360 वाली डील, लेकिन इस बार हम 330 वाली ये वाली खा रहे हैं, हॉट विंग्स। ये खाए नहीं है ना पहले, इसलिए टेस्ट करना चाह रहे हैं। सारे एक्साइटेड हो रहे हैं, मैंने कहा जल्दी से वीडियो बनाऊँ। ये देखें जो हमने विंग्स ऑर्डर किए हैं वो ये रहे, ये हमारी एनिवर्सरी का केक है जो कि मैं और मेरे बच्चे मिलके काट लेंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड तो कराची हैं। और ये जो है फ्राइज पिज़्ज़ा, और वो रही 1.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक, ये डील में है। इसके साथ ये ब्लैक वाली कोल्ड ड्रिंक है, तो ये हम करने लगे हैं पार्टी। अब मैं कट द केक करूँगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। हैप्पी एनिवर्सरी अब्दुल, अल्लाह पाक हमेशा हम दोनों को एक साथ खुश रखे, हमारे माँ बाप का साया सलामत रखे। ये बस हम लोग बैठ रहे हैं गाड़ी में, ये देखे ये देखिए इस तरह, ये ओपन एरिया, काफी यहाँ पे सर्दी लगती है आके। ये सारी शॉप्स बनी हुई हैं, बस यहाँ से तकरीबन 3 से 4 मिनट के फासले पे हमारा घर है। ये देखिए, ये देखिए आपको मैं नजर आ रही होंगी। चलिए अभी सब लोग वेट कर रहे हैं, बैठ गए हैं। तेरे पीछे आ गवाची, ये निशान क्या ही सारे। ये देखें 11:15 हो चुके हैं, रात का टाइम है ये, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताना मत भूलें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर लौट कर आऊँगी इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। तो एनिवर्सरी के साथ ही आज का जो व्लॉग है वो एंड करती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।